हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास टेस्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो दौलत राम कॉलेज के ऊपर रहेगी जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत ही वेल well नोन कॉलेज है जो कि एक्सक्लूसिवली बस लड़कियों के लिए है तो इफ यू आर कॉलेज में जाने का कोई इरादा नहीं है तो ये कॉलेज का रिव्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पर्टिकुलर रिव्यू में मैं कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ जिसके थ्रू आपकी कॉलेज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से रेलिवेंटली आपको मिल जाएगी उन पैरामीटर्स में सबसे पहले मैं कोर्सेज के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये कॉलेज कौन से कौन से कोर्सेज आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल में ऑफर करती है उसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज क्योंकि कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी अच्छी होगी उतना वहां पे आपको एमबीएंस अच्छा लगेगा और पढ़ के आपको मजा आएगा उसके बाद मैं फीस के बारे में डिस्कस करूंगा कि इस कॉलेज का एवरेज फीस स्ट्रक्चर का रेंज कितना है कि मतलब कि आप अगर कोई भी कोर्सेज को लेके अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री परसू करते हो तो आपको कितना खर्चा होने वाला है पर ईयर ऑन एन एवरेज उसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द प्लेसमेंट्स दैट द कॉलेज ऑफर्स की कितना स्टैटिस्टिक्स है प्लेसमेंट का हाइस्ट ऑफर्स कितना जाता है और एवरेज प्लेसमेंट ऑफर कितने का है देन आई एम गोइन टू डिस्कस अबाउट कंपनीज जो की काफी वेल नोन कंपनीज है जो की इस पर्टिकुलर कॉलेज से रिक्रूट करती है एंड फाइनली आई एम गोइन टू डिस्कस अबाउट द नोटेबल एलुमनाइज ऑफ दिससे आपको ये पता लगेगा कि इस कॉलेज से निकले हुए स्टूडेंट्स अपने करियर में कौन से पोजिशन पे है तो विथ दैट सेट लेट स्टार्ट दिस वीडियो सबसे पहले मैं कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि ये कॉलेज कौन से कौन से कोर्सेज को ऑफर करती है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो बी ए की तरफ से अगर देख ले मतलब कि अगर आप आर्ट्स के परस्पेक्टिव में देखोगे तो इंग्लिश ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स हिंदी हिस्ट्री एटसेट्रा ये कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर कोर्सेस है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है दौलतराम कॉलेज से तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो एंड इफ यू वांट अ कॉलेज जो कि एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए हो तो ये पर्टिकुलर कोर्सेज आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कॉमर्स से देखें तो बी कॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स ये दोनों के दोनों कोर्सेज दौलत राम कॉलेज आपको प्रोवाइड करती है इफ यू डो नॉट नो द डिफरेंस एंड तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉमर्स मैथ्स के साथ परस्यू करना चाहते हो तो आप बी कॉम ऑनर्स करते हो और बी कॉम ऑनर्स वही स्टूडेंट्स कर पाते हैं जो अपने ट्वेल्थ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स को अपने सब्जेक्ट्स के अंदर रखे थे बी कॉम प्रोग्राम वो होता है जहां पे अगर आप कॉमर्स परसू करना चाहते हो बट विदाउट मैथ्स तो ये डिफरेंस मेनली होता है बीकॉम कॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के बीच में अगर मैं साइंस के परस्पेक्टिव में देखूं कि साइंस में कौन से कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो उसमें बायोकेमिस्ट्री उसके बाद बॉटनी केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स और बायोलॉजी सो दीज आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट दौलत राम कॉलेज इज ऑफरिंग एज अ बी तो अगर आप बी करना चाहते हो तो इन सब सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हो ठीक है उसके बाद आ जाते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि पर्टिकुलर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है तो ओवरऑल तीन हॉस्टल्स और फाइव पीजीज़ कॉलेज के अंदर ही है जहां पे एवरेज रेंट जो है सिक्स थाउजेंड पर मंथ है तो अगर आप पूरा साल का खर्चा लेके चलोगे तो ऑन एन एवरेज सेवेंटी के आसपास आपका खर्चा हो जाता है ठीक है अगर आप बाकी और भी अम्यूनिटीज को देखोगे तो यहाँ पे लाइब्रेरी स्मार्ट क्लासरूम फ्री वाईफाई सेमिनार रूम्स लैबोरेटोरीज सेंट्रल कंप्यूटर लैब कैंटीन और बाकी जो भी कैंपस लाइफ में इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सारे के सारे चीजें यहाँ पे एज एन एम्यूनिटी आपके लिए अवेलेबल है अगर आप ट्यूशन फी को देखोगे तो ट्यूशन फी का जो रेंज होता है इन सारे सब्जेक्ट्स को जो चाहे बीए का हो या फिर आप कॉमर्स का कर रहे हो या फिर आप बीएससी का कर रहे हो तो वो जो ओवरऑल रेंज है वो रेंज 15,000 से 20,000 के बीच में होता है देन इफ आई टॉक अबाउट द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स तो हाईएस्ट प्लेसमेंट में जो जाती है वो 12 लाख ,00 के आसपास जाती है एंड एवरेज प्लेसमेंट फाइव लैक्स के आसपास जाती है इस पर्टिकुलर कॉलेज से हाइस्ट प्लेसमेंट वो प्लेसमेंट होती है जो कि कुछ ही स्टूडेंट्स को मिलते हैं तो हाइस्ट प्लेसमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कंपैरेटिवली कम होता है एवरेज प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है दैट इज वॉट इट मीन स्टैटिस्टिकली उसके बाद अगर मैं कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करूं जो कि काफी वेल नोन ब्रांडेड कंपनीज है जो इस पर्टिकुलर कॉलेज से रिक्रूट करती है तो उसमें सबसे पहला आ जाता है जेनपैक आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल केपीएमजी विप्रो कैपिटल आईक्यू अर्नस्ट एंड एच डी लाइफ फिर आ जाता है यहां पर डेलॉइट ठीक है तो कंसल्टिंग फर्म्स देख लो बैंकिंग फर्म्स देख लो ये सारे के सारे जो अच्छे अच्छे फर्म्स होते हैं जो कि काफी ब्रांडेड फर्म्स होते हैं वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर कॉलेज से रिक्रूट करते हैं अगर मैं नोटेबल एलुमनाइज का बात करूं जिससे आपको ये पता लगेगा कि इस कॉलेज से निकले हुए स्टूडेंट्स अभी अपने लाइफ में कितना सक्सेसफुल है अपने अपने प्रोफेशन में तो सबसे वेल well नोन अगर एलुमनाइज में से देखा जाए तो अंजना ओम कश्यप है एंड रेखा गुप्ता है सो विथ ऑल दैट बींग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करना चाहूंगा आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला है अबाउट कॉलेज और अगर आप एक लड़की हो जहां पे आपको ऐसा आपका एस्पिरेशन है कि आपका कॉलेज में स्पेसिफिकली लड़कियां रहे एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टडी देर तो ये कॉलेज वन ऑफ द मोस्ट टारगेटेड कॉलेजेस में से है यू कैन श्योरली हैव दिस कॉलेज इन योर लिस्ट एंड आई गेस जो भी सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा So thank you for watching this video, stay healthy and stay safe.